बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पापड़ी चाट। उसके लिए चने का हम लोग मसाला बना लेंगे और 2-3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 2 अदद ऑनियन लेके उसको ग्राइंड कर लिया था। अब इसको 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन क्रीम सा हो गया। अब मैं इसमें चने का मसाला डालूंगी। ये मैं मसाला लजीज़ा का यूज़ करती हूँ, चना स्पाइसी मिक्स। आप ये मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने अंदाज़े से डालिएगा जितना आपको स्पाइसी चाहिए होगा। इससे बड़ा टेस्ट नाइस आता है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसमें हसबे जायका नमक डाल रही हूँ और साथ ही मैंने चने बॉयल करके रखे थे तो वो मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें मेक श्योर कीजिएगा आप ऑयल ज़्यादा ना डालिएगा। चनों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके बॉयल तो हुए हुए थे, मैंने बस मसाला अच्छी तरह मिक्स करके पका लिया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि ग्रेवी रखनी है हमने इसमें। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बहुत कम भी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसकी तह लगानी है चाट में तो फिर इसकी ग्रेवी अच्छी लगेगी। मैं थोड़ा और पानी डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए मेरी ग्रेवी थोड़ी ना पतली हो गई है, तो उसके लिए मैं आपको टिप बताती हूँ। मैंने थोड़े से चने निकाल के उनको मैश कर लिया था। अब मैं ये इनको दोबारा इसमें डालूँगी, जिससे ये होगा कि आपकी ग्रेवी सी बन जाएगी। मैंने थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, इसकी वजह से मेरे जो से पतला हो गया था। अभी मैंने मैश करके डाला। देखिए अब ग्रेवी मेरी लग रही है, ये देखिए। हम लोग चाट के लिए जो नीचे पापड़ी डालेंगे उसके लिए हम लोग आटा गूंद लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया, उसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और 1/2 कप मैंने ऑयल लिया। ऑयल आप जितना ज़्यादा डालेंगे उससे आपकी पापड़ी ज़्यादा क्रंची सी क्रिस्पी बनेगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको गूंद लूँगी, इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। पापड़ी के लिए पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इधर मैंने छोटी सी पेड़ा बना के इसको रोटी बना लूँगी, पतली बिल्कुल, जो मैंने आटा गूंदा था। और मैं इसे गरम तेल में फ्राई करूँगी। ये मैंने चेक करने के लिए ना थोड़ा सा बोल सा आटे का बना के देखा था कि ऑयल गरम हो गया, बिल्कुल ये फ़ौरन ऊपर आ गया, इसका मतलब है ऑयल हमारा गरम हो गया। अब मैं इसमें रोटी डालूँगी। रोटी मैंने बिल्कुल पतली सी बेल ली थी। अब मैं तेल गरम हुआ मैं डालूँगी इसमें। मेक श्योर कीजिएगा तेल गरम होना चाहिए। ये देखिए पापड़ी है, जो रोटी बनाई थी पापड़ी की, वो हमारी रेडी हो गया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। हम लोग प्लेट डिश आउट कर रहे हैं। मैंने चने का ये जो मसाला सा बनाया था ये मैंने नीचे प्लेट में डाल दिया। उसके ऊपर मैं पापड़ी जो बनाई थी रोटी की, वो मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये अब जब खाएँगे तो फ्रेश फ्रेश प्लेट बना के दीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर बॉयल पोटैटो डाल रही हूँ। टमाटर इसके ऊपर मैंने काट लिए थे वो डाल लूँगी। ऑनियन मैंने काट लिया था अब मैं ऑनियन डालूँगी इसके ऊपर। ऑनियन हमने ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैंने योगर्ट फेंट के रख लिया था, योगर्ट को डालूँगी। ज़्यादा इसमें योगर्ट नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऊपर। ये लीजिए मज़ेदार सी पापड़ी चाट रेडी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है।